नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। सीमा पर जारी तनाव के बीच चीनी मीडिया का दावा, सिक्किम सीमा पर मारे गए 158 भारतीय सैनिक, भारत ने चीन के दावों को किया खारिज, कहा बौखलाया चीन, फैला रहा है झूठी अफवाह। नवाज शरीफ की लीगल टीम ने पनामा गेट जांच पैनल की रिपोर्ट को किया खारिज, इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ को भेजे जे। नहीं मारा गया आतंका का आईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी, कुर्द अधिकारियों का दावा जिंदा है बगदादी, बना रहा है दुनिया को दहलाने की योजना। सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार की हरकतों से त्रस्त लोग सड़क पर उतरे, पाकिस्तान से आजादी चाहता है सिंध। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ में सुबह से कर रहा है गोलीबारी, भारतीय सेना भी दे रही है मुंह तोड़ जवाब। नाइजीरिया के माइदुगिरी शहर में आत्मघाती हमलों में 12 लोगों की मौत, एक हमला मस्जिद में और दूसरा हमला मोलाई कस्बे में किया गया, मस्जिद हमले के हमलावर ने खुद को भी उड़ाया। और भूकंप के झटकों से दहला रूस का ओस्त्रोवा, 7.2 की तीव्रता से आया भूकंप, प्रशांत क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुनामी के खतरे की चेतावनी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।